Te devolveria um préstimo. Llavors, अब उनकी पत्नी नई मीटिंग में आती हूं, वो उछल उछल के बोलने लगे, अरे ये तो आपने क्या सुना दिया, ये नहीं कि जान बचा के ले आए हैं, ये क्या सुना दिया, ये तो आपने सुखमणि जी का पाठ सुना दिया, ये कुरान पूछ रहे थे आप, कुरान शरीफ की आयतें सुनाओ। अरे उन्होंने कहा भगवान, अगर इनको कुरान शरीफ आती होती तो टेररिस्ट बनते। इनको कुछ नहीं आता, इनको आता वाता कुछ नहीं। जो टेररिस्ट संगठन है उन्होंने कुरान की आयतों को भी, जो अल्लाह ताला का गैब्रियल के साथ फरमान आया था, पैगंबर तो पैदा होते रहते हैं, उन्होंने उनकी आयतों को भी बदल के युवा वर्ग को डैमेज करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार के अंधकार में अगर हम लोग जी रहे हैं तो मेरे बच्चों सुस्ती तो छोड़नी पड़ेगी। यस सर नो, सुस्ती तो छोड़नी पड़ेगी। इसी प्रकार से लाखों लोग जाते हैं, क्या सबका हज मान लिया जाता है? नहीं माना जाता। कहावत है, कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसने बहुत पैसे जोड़े थे, हज में बड़े पैसे लगते हैं जाने के लिए, कम लगते हैं? हैं? कितने लगते हैं बेटे? हैं? पानी पिलवाओ बच्चे को जरा थोड़ा सा, ये बच्चे को पानी पिलवाए थोड़ा सा, इनको पानी पिलाए, पियो बच्चे फटाफट, शाबाश जल्दी से पियो फटाफट। अभी एक बच्चा बाहर आज ही मिला था, खड़ा हो जाए, कौन बच्चे मिले थे? कहते हैं सर मैं सिल्वर मीटिंग में आया था और मैं सो गया था, तो मैंने भी मोहब्बत की होगी बड़ी प्यार से, मैं मोहब्बत करता हूं, मेरे अंदर और कुछ है ही नहीं। मैंने कहा बेटे उस मोहब्बत के बाद कभी नींद आई? कहते कभी भी नहीं आएगी। और पानी बच्चे, मोर वाटर, टेल मी इफ यू नीड, बट नो दिस, यू कैन टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, नो प्रॉब्लम ऑफ वाटर इन इंदौर, ठीक है? पैसे धन जमा किया हुआ था हज की यात्रा करने के लिए, जब वो उनकी पत्नी गई जिस दिन जाना था, तो पता लगा एक धोबी के यहां कपड़े देने के लिए गए, पता लगा धोबी के घर पैसा धन नहीं था, वो फैमिली 10 दिन से भूखी थी। पत्नी ने आके पति को, देखिए धर्म क्या है, पत्नी ने आके पति को बताया कि वो जिसके यहां मैं कपड़े देने गई थी, वो उसकी बेटी, उसका बेटा, उसका पति 10 दिन से भूखा बैठा है। पति ने कहा और हम हज करने जा रहे हैं? उन्होंने वो सारा एकत्रित धन, उनको एक्सेस मनी से आदमी जाता है, वो उसकी कमाई का जरिया होता है, लेकिन वो एकत्रित धन इकट्ठा अलग से होता है, उन्होंने सारा का सारा धन उस परिवार को दे दिया कि फटाफट राशन लेकर आओ और अपने बच्चों की भूख को आप मिटाओ। कहते हैं उस वर्ष जो लाखों करोड़ों लोग हज के लिए गए थे, किसी की भी हज की अर्जी, जो वहां तक मक्का मदीना होके आए हैं, किसी की अर्जी मंजूर नहीं हुई उस वर्ष। लेकिन जो व्यक्ति नहीं गया, अपने घर में बैठा हुआ था, हज की अर्जी उसकी मंजूर है। ईबीज मेरे बच्चों आपको संस्कार सिखाती है,
और आप अपने घर में और भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं, उनको भी अच्छा सबक सिखाओ। मैं अभी ऋतिक जी को 2-3 दिन पहले एक कहानी सुना रहा था, आप भी ऑफिस में थे। कभी मौका मिलता है, मैं तो एक टीचर हूं जी, हर जगह माता पिताओं को पता नहीं रहता। आज की जिनके पास धन आ गया वो माता पिता तो समझते नहीं किसी को, नहीं उनमें विनम्रता अहंकार सब कुछ आ चुका होता है। वेरी डिफिकल्ट, कोई डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर सकता, सिर्फ एक के राइट उनको वहां आना पड़ता है। राइट, एड्रेस भी मालूम है आपको सभी को, ईबी हाउस का वहीं इलाज होता है। कभी कभी छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा कोई छोटी सी चीज क्लास में चोरी करता है तो टीचर, आजकल तो टीचर नहीं मारते हैं, पुराने जमाने में, आजकल भी कई लोग मार देते हैं एक दो है ना, वो एक टीचर ने लगा दी। नन्ना मुन्ना आके अपने पापा और मम्मी को बोलता है कि इसलिए मुझे टीचर ने मार दिया। मम्मी पापा बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, टीचर के पास क्योंकि धन बहुत ज्यादा है वो कहेंगे 25 पैसे की चीज के लिए आपने मेरे नन्हे मुन्ने को मार दिया। टीचर को कह दिया, गुरु को कह दिया, जिसका गुरु का दर्जा माता पिता से ऊपर है। ये हमारी धर्म और हमारी संस्कृति सिखाती है और कई वर्ड में नहीं है। वो अहंकार से डूबा हुआ पिता अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को जब लेकर जाता है क्लासरूम में, वो कहता है आपकी हैसियत क्या, एक गुरु की हैसियत पूछ ली। अरे गुरु की हैसियत क्या पूछोगी, आपका सारा धन आप अपना तराजू में एक तरफ भी रख दो तो पलड़ा ऊपर ही रहेगा, जरा सा भी नीचे नहीं आएगा जो भी आपके। लेकिन फिर भी उस गुरु की हैसियत पूछी और मुंह के ऊपर गुरु के पैसों की गठी फेंक दी। गिन लो, आपको नहीं पता कि किसके बेटे को आपने, किसके अहंकार, किसके बेटे को ये किया। वो बच्चा देख रहा था, बात छोटी सी है लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या होगा आपको पता लगा, वो एक बहुत बड़ा घोटालेबाज बनेगा। बनेगा बनेगा कि नहीं? उसको बिगाड़ने में, उसका जीवन बर्बाद करने में किसका हाथ था? उसके अपने स्वयं पिता का। यस था कि नहीं? कभी कभी माता पिता को नहीं पता होता है कि वो प्रेम इतना मोह के विवश हम क्या कर देते हैं, हमें पता नहीं लगता है। तभी मैं कहता हूं कि सारे के सारे परिवार भी ईबीस के साथ जुड़े। ईबीस की मान्यता है कि अगर एक बच्चे को आप छोटा सा, आपने देखा होगा छोटा छोटा बच्चा बड़े बड़े उपहार मांगता है, जिसके पास बहुत धन होता है वो विदेशों से भी ला के देते हैं, कोई गुड्डा लाता है, कोई गुड़िया लाती है, कोई प्लेन लाता है, राइट? उसके पिता का तो दिल करता है कि सारा, अगर प्लेन मांग लिया तो एयरपोर्ट से उठा के प्लेन ही ले आए वो पीठ पे लाद के, लेकिन चलता नहीं है, बस मोह इतना बड़ा। अनुशासित नहीं कर रहा, पिता का दिल कर रहा कि मैं प्लेन को बोरी में भरो जो पीठ पे लेके आ जाऊंगी, मुन्ना तुमने लिया था मांगा था, होता है नहीं? अब ये भी इसकी मान्यता है कि बच्चे को चाहे आप, अगर उपहार मांग रहा है मत दो। कितनी देर रोएगा, आधा घंटा, घंटा रो के दिखाओ, उससे ज्यादा रोएगा नहीं। कितनी ताकत है, भूख लगेगी फिर भागा भागा आएगा बच्चा, राइट? आप देखोगे बच्चे थोड़े रोते रोते फिर थोड़ी देर अपने आप हंसने लगते कि अब कुछ भूख तो लग गई, अब तो कुछ तो दो, रोता रहा तो कुछ भी नहीं मिलेगा।
ये बेस्ट टाइम होता है इसको एजुकेशन देने का। और कन्वेंशन है बहुत, बच्चों को मैंने भी सुनना है, राइट? थोड़ा सा आपका सहयोग चाहूंगा बड़ी विनम्रता के साथ। अगर उसी समय बच्चे को ना दो उपहार, आधा घंटा दो घंटे एक महीना रोता रहेगा, इससे ज्यादा रोएगा। लेकिन बच्चे उपहार देने से एक महीना आधा घंटा रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं दोगे तो जीवन भर रोएगा। बच्चों को अगर देना है तो संस्कार दो। उनके नाम पे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी अगर है तो लिखोगे ही, मजबूरी है लिख दो। मैं ये नहीं कह रहा फेंको, क्या करोगे अगर है तो लिख के जाओगे, कोई ऑप्शन तो है ना? लेकिन प्रयास करो कि अपने बच्चों के को विरासत में अगर कुछ देना है तो संस्कार दो, चरित्र दो मेरे बच्चों। कहीं ना कहीं ये वैल्यूज खत्म हो गई हैं। आज का माता पिता ही नहीं, बड़े 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 लाखों, छह छह सात सात दस दस लाख रुपया फीस देने वाले इंस्टीट्यूट, जो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, वो आपको सिखाते हैं हाउ टू मेक एक्स्ट्रा बक्स, हाउ टू मेक एक्स्ट्रा मनी बाई हुक 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 तो छोड़ो, बाई ऑल क्रुक्स, हाउ यू कैन मेक और सेवरल क्रुक्स विच कुड लुक मच बेटर देन हुक्स। They teach you various fundamentals, various theories, बड़ी बड़ी थ्योरी जिसके ऊपर बनी है, लेकिन रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन होता है। सेल्समैन को ईबिस को छोड़कर, ईबिस में भी छोटा सा सेल का कंपोनेंट है, हर जगह सेल में मुख्य बातों को छुपाया जाता है, राइट? हमारी वेबसाइट में हर बच्चा भी पहले दिन से लॉग इन करके सब कुछ देख सकता है। कोई चीज छुपी है? इज देयर एनीथिंग हिडन? कोई भी चीज हिडन नहीं है, सब कुछ पूरी की पूरी चीज उसमें लिखी है।